بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغم والوفر وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي فريضة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال صدقة الفطر كبيرة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو ضروری قرار دیا ہے. جو شخص ضروری قرار دیا ہے تو رتن لمبے وفر روزے میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے روزے دار کے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو رتن اس کو صاف کرنے کے لیے اس کی تلافی کے لیے اس کی معافی کے لیے اور تو رتن ایک مساجی اور غریبوں کی عید کی تیاری کرے روزوں کی کمی کوتاہی کو معاف کرانے کے لیے اور غریبوں کی عید کی تیاری کے لیے من اداہ اپنا صلاۃ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور جس شخص نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ بھی گناہ سے بچ گیا. بہت بنیادی حدیث ہے. صدقۃ الفطر کے دو مقصد اس میں ذکر کیے, اس کو ذہن نشین فرما لیں. نمبر ایک, اس سے روزوں کی کمی کوتاہی معاف ہوتی. نمبر دو, اس سے غریب کی عید کی تیاری ہوتی. اب چند مسائل سے سمجھیں. پہلی بار صدقۃ الفطر کس کو کہتے ہیں؟ دوسری بار صدقۃ الفطر کس پر کب اور کتنا واجب ہوتا ہے؟ تین باتیں آتے ہیں, ایک ہی لڑی میں گروئی ہوئی تاکہ بار شارٹ ہوئے ہوئے. صدقۃ الفطر کس پر کب اور کتنا واجب ہوتا ہے؟ یاد کر لے کس پر کب اور کتنا واجب ہوتا ہے. تیسری بات, صدقۃ الفطر کس کو کب کتنا دینا ہے؟ صدقۃ الفطر کس کو کب اور کتنا دینا ہے؟ یہ دنیا بھی نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد دو تین اور مسائل ہے, وہ الگ سے ذکر کروں گا. پہلی بات, صدقۃ الفطر کس کو کہتے ہیں؟ عید الفطر کے دن یعنی رمضان عید کے دن واجب ہونے والا صدقہ, اس کا نام ہے صدقۃ الفطر. اسی کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں. عید کے دن واجب ہونے والا صدقہ یہ ہے صدقۃ الفطر. دوسری بات, صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جو بڑے نصاب کا مالک ہو یا چھوٹے نصاب کا مالک ہو, زکات والے نصاب کا مالک ہو یا صدقہ فطر والے نصاب کا مالک ہو, اس بندے پر صدقۃ الفطر کیا ہو گیا؟ واجب.
और ज़कात का निसाब सात चीजों से बचता है, सोना चांदी कैश मादे तिजारत और तीन जानवर। अभी जानवरों की जरूरत नहीं तो उनको साइज कर रखो, चार सौ या तीन। ज़कात का निसाब चार चीजों से बचता है, यानी चार चीजें काउंट होती है ज़कात के निसाब से, सोना चांदी कैश और मादे तिजारत। अगर किसी के पास है 87 ग्राम सोना या 612 ग्राम चांदी या उनके पैसे तो उस पर ज़कात भी फर्ज है और सरमाए जितने भी बाकी। छोटा निसाब पांच चीजों से बचता है, यूं तीन को मिलाओगे तो आठ चीजों से बचता है, लेकिन तीन जानवरों को साइंस पे करो पांच चीजों से बचता है, यानी पांच चीजें काउंट होती छोटे निसाब को बनाने के लिए। चार तो यही है, सोना चांदी कैश और मादे तिजारत। नंबर पांच, हर वो चीज जो जरूरत से जायद है उसको भी शुमार कर लेते हैं, उसकी वैल्यू भी जोड़ी जाती है। जरूरत से जायद चीज कौन सी है जो साल में एक दो मरतबा भी इस्तेमाल में नहीं आती है, साल में एक दो बार भी इस्तेमाल में नहीं आती वो जरूरत से जायद है, और जो साल में एक दो बार भी यूज में आती है तो वो जरूरत में दाखिल है, वो जायद नहीं है। मिसाल से समझो, एक बंदा एक मकान में रहता है, दूसरा मकान बंद पड़ा हुआ है, एक साल से धूल खा रहा है, ये जरूरत से जायद है, जोड़ो इसको। एक बंदे के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, उसमें से 90 जोड़ी वो पहनता है और 10 जोड़ी ऐसे महंगे बना के रखे हैं कि वो साल में एक बार भी पहनने की नौबत नहीं आती। ये मिसाल औरतों के ज्यादा फिट हो, शादी के कपड़े एक बार पहन लिए और फिर भूल जाओ। इतने भारी बर्तन और वजनदार होते हैं कि फिर अगर कभी जी भी चाहे कि उन कपड़ों को पहन कर शादी की याद यादा की जाए तो दो नौकरानी को बुलाना पड़ता है, जो कपड़े उछले तो फिर होगी याद दादा, वो हिम्मत ही नहीं होती, कोई कच्चे वगैरह हो जाए तो सवाल ही पैदा होता है। ये बुजुर्ग बच्ची ऐसे कपड़े नहीं बना देते जिसको पहनकर फिर याद यादा की जाए, ऐसे बनाओ कि बार बार पहन सके, महंगे हो उससे कोई इम्कान नहीं, लेकिन यूजेबल तो होने चाहिए। ऐसे क्यों बनाते हो जिसको बाद में यूज भी ना कर सके, ये पैसा लाए कहां आता है। घर में बर्तन है, ऐसे बर्तन जो साल से एक बार भी यूज नहीं होती उसकी कीमत लगेगी, ये जरूरत से चाहिए नहीं। शोकेस के अंदर बहुत सी चीजें रखी हुई इस्तेमाल में नहीं आती, सिर्फ दिखाने के लिए शो के लिए रखे हुई शो पीस, ये जरूरत से लाइक नहीं, इसलिए भी क्या नहीं आती। एक बंदे के पास दो सूटर है, एक इस्तेमाल करता है और दूसरा एक साथ से धूल खा रहा है, ये जरूरत से लाइक नहीं। दूसरे बंदे के पास 10 स्कूटर है, कभी ये चलाता है, कभी दूसरे वाला, कभी तीसरे वाला, कभी चौथे वाला, तो 10 के तक जरूरत में लाते हैं, क्यों यूज में आ रहे हैं। जो चीज यूज में है वो जरूरत में लाके आती है और जो यूज से बाहर निकल गई है वो जरूरत में जाए। बाज लोग ये समझते हैं कि 10 जोड़ी कपड़े ये तो है जरूरत की चीज और 11वें जोड़ी से निकले हैं वो सब है जरूरत में जाए। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आदमी का मिजाज अलग है, हर आदमी की जरूरत अलग है। एक बंदा है हफ्ते में 2 जोड़ी कपड़े बदलता है, ठीक है उसके लिए 10 जोड़ी बहुत हुआ, लेकिन एक बंदा है जो रोजाना 3 जोड़ी बदलता रहता है, तो इशारा समझते हैं समझे इशारा समझे की तो एक आदमी है जो दिन में 2 जोड़ी बदलता है जिसकी जरूरत ज्यादा होती है। बस एक बुनियादी बात यह है कि साल में एक दो बार भी इस्तेमाल में आ जाए तो शरीयत कहती है चलो ये भी तुम्हारी जरूरत मानती है। इतनी आसानी नहीं है, इतना आसान दिन हम यहां से ना होगा। तो जो चीज की जरूरत से जायद है उसको काउंट हमें ले लेना है, शुमार कर लेना है, गिन लेना है।
सोना है उसको भी गिन लो, पैसे हैं गिन लो, चांदी है गिन लो, जरूरत से लाई जो भी चीज है उसको गिन लो, फिर टोटल कर सब मिलकर 612 ग्राम चांदी के बराबर यानी आज की तारीख में 45,000 रुपए के बराबर हो गया या नहीं। अगर हो गया तो छोटे मुझाफ की तकमील हुई और बंदे पर से बोला फिर क्या हो गया। बंदे के पास सोना चांदी नहीं लेकिन 10,000 रुपए और एक और भी गाड़ी पड़ी हुई जो इस्तेमाल में नहीं है, एक साल से पड़ी है, उसकी वैल्यू है 50,000। अगर बेचेंगे तो 50,000 में बिकेगी, 10,000 घर में कैश पड़ा हुआ दोनों को मिलाएंगे कितना हुआ 60,000 हो गए छोटे के साथ इधर वाजी माजे। बंदे के पास पैसे बिल्कुल नहीं लेकिन फोर व्हील गाड़ी पड़ी हुई है या एक फ्लैट है जिसमें ताला पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू जो है 612 ग्राम चांदी से ज्यादा हो रही है, इस पर भी सतर्कता भीतर क्या हो गया सतर्क अपनी तरफ से वाजिब हो जाता और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से और अपने बालिग पागल बच्चों की तरफ से नाबालिग और बालिक पागल बच्चों की तरफ से भी वाजिब होता है यानी देना जरूरी। इनके अलावा बीवी की तरफ से देना अच्छी बात है, जरूर दीजिए। माँ बाप की तरफ से देना है तो दीजिए, बालिक औलाद की तरफ से भी जो माँ बाप की परवरिश में है और माँ बाप उनका खर्चा उठा रहे हैं। आमतौर पर बच्चे 15 साल के अंदर कमाते नहीं, वो माँ बाप के खर्चे से चलते तो उनकी तरफ से भी देना चाहिए। इसके अलावा भी किसी की तरफ से आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बस उसको इंतजार करते कि मैं आपका फितरा दे रहा हूँ आप नियत करते बात समझ गए। तो पहली बात समझते हैं किस पर वाजिब होता है, इस पर जिसके पास जकात वाला निशान हो या सदुसाई फितर वाला निशान हो उस पर सदुसाई फितर वाजिब होता है अपनी तरफ से, नाबालिग बच्चों की तरफ से, पागल बच्चों की तरफ से। सदुसाई फितर कब वाजिब होता है? ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त वाजिब होता है। ये हो क्या बात है? ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त, बस ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त जो बंदा या बंदी इस दुनिया में है उस पर वो वाजिब होगा, वो हुक्म के दायरे में आएंगे। और ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त जो बंदा या बंदी इस दुनिया में नहीं है वो हुक्म के दायरे में नहीं आएंगे, उन पर सदाए फिक्र वाजिब नहीं होगा। मिसाल से समझो, एक आदमी है जिसका इंतकाल हुआ सुबह 4 बजे और सुबह शादी होती है 5 बजे, तो क्या 5 बजे जब अल्लाह का हुक्म आया ये बंदा दुनिया में है? भाई बताओ सब नहीं है, तो इस पर 17 फितर वाजिब होगा? नहीं। एक बंदे का इंतकाल हुआ ईद के दिन सुबह 7 बजे और सुबह शादी होती है 5 बजे, तो 5 बजे ये बंदा दुनिया में था कि नहीं था? तो इस पर 17 फितर क्या है? एक बच्चा पैदा हुआ सुबह 4 बजे तो 5 बजे ये दुनिया में है कि नहीं? इस पर सदुसाई फितर क्या है? वाजिब होगा। एक बच्चा पैदा हुआ सुबह 7 बजे तो 5 बजे वो दुनिया में था नहीं था, बस उस पर सदुसाई फितर वाजिब नहीं है। जो पेट के बच्चे होते हैं उनकी तरफ से सदुसाई फितर नहीं है, नकली सत्ता दे सके सबसे कोई हरज नहीं। इसी तरह जो मरहूमीन है जिनका इंतकाल हो चुका उनकी तरफ से सदुसाई फितर नहीं है, नकली सत्ता। मैं ये नहीं कहता आप मत दो, दो लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर शरीयत कहती है इन हजरात के लिए सदुसाई फितर है तो फिर आप सदुसाई फितर की नीयत से, और दूसरों के लिए शरीयत कहती है कि इन पर सदुसाई फितर नहीं है तो फिर आप नकली सत्ता की नीयत से। अगर आप सदुसाई फितर की नीयत से भी देंगे मरहूम का या बच्चे का तो वो फितरा नहीं होगा, वो नकली सत्ता ही। तीसरी बात सदुसाई फितर कितना वाजिब होता है, किस पर कब और कितना? जनाब नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, मैंने ने किया कि अगर गेहूं से सदुसाई फितर देना है तो 2.25 किलो गेहूं या उतने पैसे
या उतने पैसे की कोई भी चीज की। और अगर खजूर, छुहारे यानी खारट, किशमिश और जौ, देखो जुआर और जौ दोनों अलग अलग चीज है। जुआर जिसका रोटा बना के खाते हैं हम लोग, वो अलग चीज है। ये है जौ जो गेहूं की तरह होती है, जरा जरा सफेद रहती है, इसको जौ क्यों क्यों। तो खजूर, खारट, किशमिश या जौ से संशय की तरह देना है तो हुजूर ने फरमाया 3.5 किलो। असल हदीस में आया है सा और निस्फ सा, एक बर्तन आता रहा उस जमाने में, वो पूरा भर के हो गया एक सा सा, और गेहूं देना है तो आधा हो गया यानी निस्फ सा। अब ये एक सा और निस्फ सा कितने ग्राम का होता था आज के हिसाब से उस जमाने उसका हिसाब लगाया। तो अगर बारीक हिसाब लगाओगे तो एक सा जो है 3 किलो 154 ग्राम का होता है बारीक हिसाब से, और मोटा हिसाब लगाओ क्या हो 3.5 किलो। और यही हमें इसी पर हमें क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। 3.5 या उसका आधा करो पौधे दो, गेहूं से देना है तो पौधे दो, और इन चीजों से देना है तो 3.5। क्या भाव है? सबसे कम भाव है गेहूं का 70 रुपये में करीब करीब, पौने 2 किलो। उसके ऊपर भाव आता है जौ, जौ का जौ 3.5 किलो दे रहे हैं और जौ का भाव चल रहा है 60 रुपये के आस पास, तो 200 रुपये भाव क्यों करवा जौ से देना है तो 200 रुपये। और खजूर खारक से देना है तो राउंड में 500 रुपये, और किशमिश से देना है तो कम से कम 1000, उससे ऊपर आपकी मर्जी की बात। तो या तो ये चीजें दे दो या इन चीजों के बराबर क्या दे दो पैसे दे दो, या उतने पैसे का कोई सामान खरीद कर दे दो। आपको मालूम है कि अगर मैंने सबसे फिक्र गरीब को दिया तो ये इधर उधर उड़ा देगा, अगर देखिए ठीक नहीं तो आप पूरे घर का सबसे फिक्र जमा करें और होटल में जाकर पार्सल वार्सल बनवाए अच्छी तरह मिठाई उठाई और पूरा पार्सल बना कर ईद के लिए उसके घर दे तो उनके घर की ईद होगी, तो ये भी दुरुस्त में कपड़ा दे दें, तो ये भी दुरुस्त में और भी कोई सामान देना चाहे तो दे। बहुत से लोग सवाल करते हैं और सवाल होना भी चाहिए कि वो कितना बची बात है। गेहूं सस्ता है, अगर गेहूं से देना है तो पौने 2 किलो, और खजूर किशमिश खारा ये चीजें महंगी है और उससे देना है तो 3.5 किलो, ये बाकी भाग में नहीं है। कभी इस तरह कोई सवाल हो आपका शरीयत के किसी हुक्म पर तो आपको पूछ लेते, दिमाग पे पकाना नहीं चाहिए वरना शैतान कभी कभी गुमराह करा पूछ ले। कहते हैं होना यूं चाहिए कि जो चीज देंगी है वो कम हो और जो सस्ती है वो समझता समझ लो बात क्या है। दर हकीकत जनाब नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितने पैसों में 2.25 किलो गेहूं आते थे उतने ही पैसों में 3.5 किलो खजूर और किशमिश आती थी। तो वैल्यू को देखकर आपने मकदार मुतय्यन फरमाई कि इसकी वैल्यू कम होने के बावजूद इतनी है और इनकी वैल्यू ज्यादा होने के बाद इतनी, तो दोनों की वैल्यू क्या थी बराबर थी। 2.25 किलो गेहूं और 3.5 किलो खजूर की वैल्यू बराबर थी। हुजूर ने फरमाया गेहूं से देना है तो 2.25 दे दो और खजूर से देना है तो 3.5। बाद में जब जमाना आगे बढ़ा तो कीमतों में अप एंड डाउन हुआ, गेहूं सस्ते हो गए और खजूर महंगी हो गई, किशमिश महंगी हो गई, तो ये फर्क आ गया। अब ये क्या है हुजूर ने बताया था उसको कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता, जो हुजूर तय करके चले गए बस वो बात बनती है। 2.25 ही चाहे वो कितना सस्ता हो, 3.5 तो फिर वो 3.5 उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई बढ़ा नहीं। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने दारुल खिलाफा इराक में मुंतकिल किया और आप वहां तशरीफ लाए,
तो आपने देखा कि लोगों को अल्लाह ने मालूम दौलत से नवाजा, और ये देखा कि गेहूं सस्ते हो गए, गेहूं क्या हो गए सस्ते हो गए, यानी दोनों की वैल्यू जो बराबर थी वो अप एंड डाउन हो गई, गेहूं सस्ता हो गया, अब इसकी वो वैल्यू नहीं रही जो खजूर के बराबर होती थी। तो आपने लोगों में बयान फरमाया कि लोगों को अल्लाह ने तुम्हें मालूम दौलत से नवाजा है, और मैं देख रहा हूं कि गेहूं सस्ता हो चुका है, बस मेरा मशवरा ये है तुम्हें कि अगर तुम गेहूं से भी सब्जी अच्छी तरह लेना चाहो तो 3.5 किलो दिया। किसने मशवरा दिया? मशवरा दिया, इसलिए मेरे भाई अपनी माली हैसियत के हिसाब से हमें जितना ज्यादा दे सके देने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि सारे ही लोगों ने, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो अमरपति हो, सबने पकड़ के रखा है गेहूं की कीमत 70 रुपए, तो बस 70 रुपए, 1 रुपए आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। ये जो है मुनासिब नहीं है, ये बात अलग है कि 70 रुपए भी दो के हो, 70 रुपए तो अदा हो ही जाएगा, लेकिन जब अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ी बढ़ी। और अभी मैंने आपके सामने हदीस सुनाई जिसमें बताया गया कि सदका फितर से रोजे की कमी कोताही माफ होती है, बराबर, यानी रोजे की कमी कोताही माफ करने वाला यह सदका था। 1 महीने के 30 रोजे होते होते अगर 1 रोजे का सदका 5 रुपए भी पकड़ते हैं तो कितने कोई मोटा सा हिस्सा डॉक्टर किया जाते हैं 500 रुपये फीस खुशी से देते हैं, फिर निकलते हैं 1500 की दवाई खुशी से लेकर आते हैं। मेरे प्यारों, जो खर्च करने की जगह है अगर वहाँ खर्च नहीं करोगे जहाँ अल्लाह चाहता है तो फिर वहाँ माल खर्च होगा जहाँ तुम नहीं चाहते, जहाँ अल्लाह चाहता है वहाँ खर्च करो, फिर खोल करो फिर आपके माल की भी खर्च करो। इसलिए मेरे भाई में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप 100 रुपये दे सकते थे 100 रुपये से पिछले जा सकते, 200 दे सकते थे 200 दो, 1000 दे सकते थे 1000 दो, 5000 दे सकते थे 5000 दो, जितना दो के अल्लाह भी आपके उतना ही करते। नहीं, सदका फितर की एक हिकमत ये भी बताई गई, एक मकसद ये भी बताया गया कि उससे गरीब ईद की तैयारी होती है, बस अगर आप ज्यादा रकम दोगे तो तैयारी आसानी से हो सकती। यहां रुककर एक बात समझ लेते हैं, गेहूं से सदका फितर देंगे तो पैसे कम खर्च होंगे, खजूर किशमिश से देंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे, जिसमें ज्यादा पैसे खर्च हो उसमें सवाब क्या भी लगेगा ज्यादा, जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होंगे वो अफजल है और उसमें सवाब क्या है ज्यादा मिलेगा। बस इतनी ही तरकीब हम दे सकते। बाद लोगों ने ये कीमत के अप एंड डाउन को देखते हुए अपनी तरफ से एक बात गढ़नी शुरू की, कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया बड़ा सत्य फिर छोटा सत्य फिर, क्या है भाई बड़ा बड़ा, ये खजूर गेहूं के बड़ा बड़ा और गेहूं वाला छोटा, शरीयत ने ऐसी कोई बात फरमाई हुजूर ने नहीं करना, जो रात और हिम्मत की बात है कि आप शरीयत ने इस्तिला कायम कर व्यवहार क्या कहते हैं अल्लाह हिफाजत करता है। बाद लोगों ने इस्तिला कायम फरमाई आला अदना औसत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, अल्लाह के बंदे हुजूर ने तय फरमाया खजूर को भी और गेहूं को भी, तू कौन हो रहा है उसको फर्ज क्लास कहने वाला, अफसोस की बात है। लोगों को तरकीब दिलाने के चक्कर में, नया पद पैदा करने के चक्कर में आदमी आउट हो गया, दिन के दायरे से बाहर निकल गया, ऐसी तशरीह और ऐसी तरकीब मर्दूद है, ना काबिल है, कबूल है,
आज और आगे बढ़े गेहूं का सफर था इसी में गुड गुड और फला का बेटर फला का बेस्ट हर तेरी ऐसी क्या कर रहा है क्या है तमाशा बना के रखा दिया भाई हुजूर ने क्या बोला है तुम कैसे उसको कह सकते हो कि छोटे छोटे का बिल्कुल नहीं कह सकते जो बात हुजूर ने फरमा दी कयामत तक के लिए होते हैं सारे सदस्य फितर आला सारे बेस्ट है ये भी हुजूर ने तय फरमाया वो भी हुजूर ने तय फरमाया अगर बेटर और बेस्ट किसी बात होती हुजूर नहीं फरमाते हजरत अली का फरमाते कि ये बेटर है और ये बेस्ट है हजरत अली ने सिर्फ ये मशवरा दिया कि मेरा मशवरा है कि ये सस्ता हो चुका है तो ये भी ज्यादा रहता था बहुत ही अफसोस की बात है इसलिए इस तरह की तशरीहात नाकाबिल कबूल है बिल्कुल गलत है और मुझे मालूम है कि तरतीब मुझे ही करनी है वरना पूरे सूरत में कोई भाई का लाल नहीं है जो मैदान में आके तरतीब करते हैं इसलिए मैं तरतीब कर रहा हूँ मैं करके भी छोड़ के तरतीब कर रहा हूँ बिल्कुल गलत और वाहियात के सबकी तशरी बंद करना चाहिए तो बात जा रही थी सदकतुल्फित्र किस पर वाजिब सदकतुल्फित्र कब वाजिब होता है और सदकतुल्फित्र कितना वाजिब होता है आज पूरी आगे चले चले सदकतुल्फित्र किसको देना है गरीब को यानी उस शख्स को जिसके पास छोटा या बड़ा निशाब नहीं है नंबर दो मुसलमान हो गरीब भी हो और मुसलमान भी हो पीछे रखा के बयान में गुजरा खास किस्म का भी गरीब हो मुसलमान और तहकीक करना हमारी जिम्मेदारी के बिना गरीब है और रिश्तेदारों में माँ बाप दादा दादी नाना नानी बेटा पोता पोती बेटी नवासा नवासा इनको नहीं ले सके शोहर बीवी को और बीवी शोहर को नहीं दे सके इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं उन सबको सत्तर फितर दे सके सैयद को सत्तर फितर नहीं दे सकते जो मसाई सरकार के वही मसाई सड़के सदा फसल दे सके मुसलमान गरीब नहीं उसको देना है इसलिए मेरे भाई ईद के दिन आमतौर पर हमने देखा कि ईदगाह में या कब्रस्तान में या मस्जिद के बाहर जो लोग आके बैठते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते वो बिल्कुल फितरे के हकदार नहीं आते और उनमें तो बहुत से बंदे हुए हैं जो मालदार हैं उनका धंधा है भिखारी हल के मांगना मांगना ही उनका धंधा है आपका धंधा है दुकान चला जाए तो उनका धंधा है भीख मांगना इसलिए अनजाने आदमी को सकार फितरा मत दिया बहुत सी मसला टोपी वोपी पहनकर आदमी आ जाता है और वो गैर मुस्लिम होते इसलिए नकली सदका तो अगर आपको रहने आता है लेकिन फितरा फितिया कफारा और जका ये तहदीद करके देना हमारी और आपकी क्या सदकतुल्फित्र किसको देना है मुसलमान गरीब को कब देना है हदीस ही ऐसी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के दिन ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर दे देना चाहिए क्यों क्यों ताकि गरीब की ईद की तैयारी हो सके ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की वो साथियों वाला जमाना था लोग भी सादा थे जिंदगी भी सादा थी तो ईद भी सादा थी अगर ईद के दिन ईद की नमाज से पहले सदका फितर दे दिया तो उनकी ईद हो जाती उनकी ईद क्या थी गोश्त लाया और पका दिया हो गई ईद उनकी ईद क्या थी रोजाना मीठा नहीं बनता आज मीठा भी बना दिया ईद हो गई इसी की सारी ईद होती हमारे जैसे तकल्लुफात नहीं थे नए कपड़े भी हो नई टोपी भी हो नई चप्पल भी हो और नई घड़ी भी हो नया चश्मा भी हो नया रुमाल भी हो नए मोजे भी हो और फला फला सब नया चाहिए ये तकल्लुफात नहीं थे
जो मयसर आया वो पहन लिया, जो मयसर आया वो खा लिया। तो उस जमाने में हुजूर ने फरमाया देखो ईद से पहले जो उनका भी हम ख्याल रखना है, उनके अमीर होनी चाहिए, हम खुशियां मनाएं, हम फूले पराठे खाएं और गरीब सूखी रोटी खाएं, ये इस्लाम का मिजाज हरगिज नहीं। ईद में जाने से पहले उनको देखा गया ताकि वो भी अपना इंतजाम शुरू करें। लेकिन जब जमाना आगे बढ़ा और लोगों की जिंदगी में तकल्लुफात आ गए और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो अब अबू सहाबा बड़े फकीह सहाबी, उन्होंने इन बदलते हुए हालात को देखा कि ईद के दिन सदका फितर देने से तैयारी नहीं हो पा रही, तो आपने ईद के तीन चार दिन पहले सदका फितर देना शुरू किया। ये हमसे ज्यादा दीन को समझते हैं सहाबा, और अब्दुल्लाह इब्न उमर तो अब अबू सहाबा फकीह तरीन सहाबी, उन्होंने क्यों ताकि सदका फितर का जो मकसद है गरीब की ईद की तैयारी वो भी होगी। और मेरे भाई ये बात तो अब्दुल्लाह इब्न उमर की है 1300-1350 साल पहले की, अब तो रवाना कहां से कहां पहुंच गया है। अब तो हमें चाहिए कि रमजान शुरू होते ही क्या देना शुरू कर दे, सदका फितर देना शुरू कर दे ताकि गरीब भी अपनी ईद की क्या करें तैयारी करें। मिनिमम 10 दिन पहले तो नहीं देना चाहिए। एक मानदार आदमी अगर वो 25वें रोजे को भी टेलर के यहां जाकर खड़ा हो कि मेरे दो जोड़ी कपड़े सीने, वो मना नहीं कर सकता, नहीं मना कर सकता। क्यों? क्यों? वो सास भर का ग्राहक 2500 जोड़ी सिलाता है, अगर इस मौके पे ना बोला तो ग्राहक वो भी कर देगा। लेकिन गरीब आदमी अगर 15वें रोजे को भी पहुंचेगा जरा एक जोड़ी खबर तो बिल्कुल जगह नहीं बनी, हाजी साहब माफ करो, हाजी साहब भी बोले तो माफ भी कभी करी, हाजी साहब भी बोले माफ भी कभी करी। तो मेरे भाई ये फर्क देख रहे हैं, ये फर्क इसलिए हमेशा गरीब भाइयों की फिक्र करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि मालदारों की जो गाड़ी चली थी वो इन गरीबों की दुआ से चली, इसलिए इनकी दुआ लेना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। तो सदकतुल फितर कब देना है, रमजान में दे सकते हैं और आखिरी है ईद की नमाज से पहले पहले। लेकिन अगर कभी बंदा भूल भूल और ईद की नमाज पढ़ ली तो सदका फितर कज़ा नहीं हुआ, सदका फितर माफ नहीं हुआ, वो उसको देना है ईद की नमाज के बाद भी जब उसको याद आया उसके लिए जरूरी है। तो क्या करें, सदका फितर अदा करें, मसला मालूम नहीं था, कई साल से सदका फितर नहीं दिया। अभी कल ही एक साहब ने मुझे मसला पूछा कि मेरे बच्ची ने पांचवी ईद है उसने, मैंने आज तक उसका फितर दिया ही नहीं, आपने बयान किया तो मेरे को मसला मालूम हुआ, तो अब मैं क्या करूँ, पिछले पांचों साल का फितर दे दो। तो मसला मालूम नहीं था, बाद में पता चला। तो जितने सालों का फितर बाकी है वो सब अदा करना पड़ेगा, ईद के बाद भी देना क्या जरूरी। और मेरे भाई मेरी गुजारिश है कि अगर आप मदरसे में फितरा देना चाहते हैं, जो लोग हर साल देते हैं वो एक दो दिन में देकर पूरा करा, वरना ईद के दिन इतनी भीड़ लगाते हैं ऑफिस के अंदर, इतनी भीड़ लगाते हैं कि जो रसीद बनाने वाले हैं उनकी ईद की नमाज खतरे में आ जाती है। आपको नमाज होती नहीं, ईद से पहले देने का नहीं, तेरी नमाज जावे तो जावे, मेरा फितरा होना चाहिए। क्या तरीका है मेरे भाई। लेकिन क्या मैं आपको थैंक यू भी कहता हूँ, शुक्रिया भी कहता हूँ कि जब से मसीने मैंने बयान करना शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 75% फर्क आ गया है। अब वो भीड़ नहीं रहती जो पहले रहती है। तो आपसे इस बात की गुजारिश है कि अगर आपको मदरसे में देना है तो फिर जरा जल्दी दे देना ताकि उनकी नमाजें भी मौके पर हो जाए। सदकतुल फितर किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, कम से कम एक आदमी को एक सदका फितर दो, उससे कम इतने रुपए हो, कम से कम पूरे 300 रुपए, उससे कम मत करो। अगर आपने 35-35 रुपए करके दो आदमियों को दिए अदा तो हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन गरीब आदमी को इतना दो कि फिर शाम तक उसको सवाल की जरूरत पेश ना आए, यानी दिन भर की जरूरत के लिए काफी होती है। तो क्या 70 रुपये काफी हो जाते हैं? नहीं होते। इसलिए हमारा मशवरा यह है कि पूरे घर का सदका फितर इकट्ठा कर लो और एक आदमी को देखो।
ये हुजूर फरमा रहे हैं इतना दो कि उसको शाम तक मांगने की जरूरत पेश न आए, उसकी पूरे दिन की जरूरतें पूरी हो। आज अगर एक छोटी फैमिली भी हो तो उसको एक दिन के लिए 500 रुपए तो चाहिए। इसलिए मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा सदका की तरह एक आदमी को देने में कोई हरज नहीं है। बुनियादी बात पूरी हो रही। अब दो तीन वसीले समझे। नंबर एक, एक शख्स रमजान के रोजे नहीं रखे और सारी जो निशाब है तब भी उस पर क्या वाजिब होगा? सदका फितर वाजिब होगा। एक बंदा गरीब है, निशाब का मालिक नहीं है, उस पर सदका फितर वाजिब नहीं है, लेकिन वो खुशी से देना चाहता है, दे दे भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। तीसरी बात, सदकतुल फितर में उस जगह की कीमत का एतबार है जहां पर आदमी मौजूद है। ईद के दिन आदमी ईद के दिन जहां मौजूद है वहां की कीमत का एतबार। एक बंदा है जो रहने वाला इंडिया का है लेकिन ईद के दिन मक्का शरीफ में, तो अब उसको सदस्य क्षेत्र कहां की कीमत से देना है? मक्का शरीफ की कीमत के हिसाब से। वहां खजूर का भाव क्या है? 3.5 किलो या 2.25 किलो गेहूं का भाव क्या है वो मालूम करे और मक्का में देना है मक्का में देते और इंडिया में देना है तो इंडिया में कहां देना इसका मसला नहीं, कितना देना ये मसला। आदमी जहां है वहां की कीमत लगे। एक आदमी इंग्लैंड में है, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया भाई मेरा सदस्य क्षेत्र दे देना, तो आपको पूछना पड़ेगा वहां 2.25 किलो गेहूं की क्या कीमत, कितने पाउंड के? 2 पाउंड के। तो यहाँ 2 पाउंड के कितने होते हो? कितने होते हो? तो उनके पैसे आपको देने पड़े। अगर बेतिया नहीं है, आपने इंग्लैंड वाले भाई का सदस्य क्षेत्र 100 रुपए दे दिया तो अधूरा पाव या आधा आधा हुआ और दूसरा पाव या आधा पौना बाकी है। आप कीमत मालूम करके उसको पूरा कर दीजिए। वापस देना जरूरी नहीं, जितनी कमी है उसकी क्या कर देनी है? तलाशी कर देनी है, उसकी भरपाई कर देनी है। चौथा मसला, सदस्य फितर बोल कर देना कोई जरूरी नहीं है। सदस्य फितर है, यही मसला जकात का भी है, बोल कर देना कोई जरूरी नहीं है। जहां ऐसी जरूरत हो कि आप तय नहीं कर पा रहे कि आपके मुस्तहिक है या नहीं, तो फिर वहां क्लियर करें भाई जकात की रकम है, बोलो हकदार हो फिर ठीक है। लेकिन जहां आपको मालूम है कि बंदा मुस्तहिक है या बंदा आपका रिश्तेदार है या बंदा आपका दोस्त है, अगर आप उसको यूं कहोगे ये सदका है, आप उसको यूं कह के दोगे कि ये जकात है, तो वो इंसल्ट फील करेगा, मेरी इंसल्ट हो रही। ऐसा कभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जब आपको इत्मीनान हो कि सामने वाला हकदार है, उसको को मिलकर उसे हदिया कबूल फरमाए, गिफ्ट है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से ईद। इस तरह बोल रहे कि अगर आप जकात और सदका फितर देंगे तो आपका सदका फितर क्या हो जाएगा? यहाँ पहुंच हुआ सदका फितर के मसाइल क्या हो पूरे हुए? जकात के तालियों से दो तीन मसले जरा अहम है, तो मैंने सोचा बयान कर बैठो बैठो कर दो बयान। आदमी एडवांस में जकात दे सकता है, कई सालों की जकात देगी, नियत करता जाए देता जाए और अगले साल उसको शुमार करता। बच्चे ने हिसाब किया कि उस पर 5,000 रुपये जकात फर्ज हो रही होगी और जकात की नियत से उसने देना शुरू शुरू और गलती से 6,000 दे देते हैं, 6,000 दे दिए कोई बात नहीं। आपने चूंकि जकात की नियत करके दिए हैं तो वो 1,000 एडवांस अगले साल की जकात के आप उसको शुमार कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बंदे को जकात देनी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, दूसरा आदमी उसकी तरफ से देना चाहे तो दे दो। एक साहब आए थे कि हमारे भाई हैं, उनको अल्लाह ने नवाजा है, तो वो हमारे पूरे घर वालों की जकात खुद देते हैं। क्या कह ऐसे भाई भी क्या कह, यानी उनकी भाभियों के पास जो है, उनके भाई के पास जो है, जो वो कहते हैं सब जोड़ के मुझे बताओ कितना है, और हर साल वो अपने पैसों से क्या देते हैं? जकात देते हैं। अल्लाह कबूल कर काफी तकलीफ है, अब अल्लाह ने नवाजा है तो ऐसा करो कि आपको क्या मिला। दुआ मिले और रिश्तेदार की दुआ ज्यादा कबूल होती है, रिश्तेदार की लोग दुआ जो कबूल होती है। बीवी की तरफ से शौहर को देनी चाहिए,
बीवी बिचारी क्या कमा ले जाती है, कहां से ताकत है, तो बीवी की जकात कौन दे? बस ये कि आप उसको बता दो कि मैं आपकी जकात दे रहा हूँ, ताकि वो क्या कर लेती है। और अगर आप हर साल बीवी की तरफ से देते रहते और इस बात बताना भूल गए, बीवी को मालूम नहीं है कि मियां देते ही है, तो फिर वो नियत दिल में है, जकात क्या हो जाए अदा। लेकिन अगर आप ताजा कर ले तो ये ज्यादा अदा। आपके पास पैसे नहीं जकात देने के, अगर आप अर्ज लेकर जकात देना चाहें, अभी 5,000 उधार देने के जरा मेरी जकात दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उधार लेकर आप दुनिया वाले का उधार चुका सकते हैं, तो ये अल्लाह का उधार है, इसको भी चुका सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी जकात बांटने का किसी दूसरे को वकील और जिम्मेदार भी बना सकते हैं, पैसे देकर भी और पैसा दिए बगैर भी। एक बंदा इंग्लैंड में रहता है, उसने इंडिया फोन किया कि भाई जरा मेरे 5,000 रुपए रखा दे रही हूँ, बाद में हमें भेज दे। तो अब इंडिया में जो बंदा है वो अपनी जेब से 5,000 बनिए जकात दे रहा है, वो अदा हो जाए। और जब वो बंदा 5,000 रुपए भेजेगा फिर जाके अपने जेब में रख, ये नहीं समझेगी उसकी जकात, उसने इसको वकील बनाया था, अब उसकी जकात उस वक्त अदा हो चुकी है जब इसने दिए। अब जो पैसे आ रहे हैं वो इसका कर्ज है, वो जकात नहीं है, इस बंदे का कर्ज है। यूं माना जाएगा कि उसने इसके कर्ज लेकर जकात रखा। और अगर सूरज से आ गया कि मैंने 10,000 रुपए भेजे हैं ये जकात के, मुस्तनी को ले दे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन यहाँ एक फायदा याद रखो, अगर घपला हुआ तो घपला बड़ा हो जाएगा। एक आदमी ने 10,000 रुपए आपके पास भेजे हैं जकात का, ये जकात तकसीम कर दे, आपने उसमें से कुछ पैसे अपनी जरूरत में इस्तेमाल करना, बात समझे, आपने कुछ पैसे अपनी जरूरत में इस्तेमाल कर लिए, फिर महीने दो महीने के बाद फिर अपने पैसों से लेकर आप जकात दे रहे हैं, जकात अदा नहीं होगी। अगर ये भूल आपसे हो गई तो आप उससे क्लियरेशन कर लीजिए, उससे कह दीजिए भाई आपने जो 10,000 भेजे थे उसमें से 5,000 में लोग मुझे तरह काम था, फिर मैं दे दूंगा, या 5,000 मैंने ले लिए थे जरूरत की वजह से, अब मैं अपने पैसे में तुम्हारी जकात दे रहा हूँ, बस इतना इन्फॉर्म उसको कर देना है, तो फिर जकात क्या अदा हो जाएगी। अमानत का मसला है, जकात का मसला है, दीनी फरीजे का मसला है, चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ, एक आदमी ने आपके पास 10,000 रुपए भेजे जकात का जो घर में रखे रखे, आप कहीं गए बाहर, वहां पर उस तरीक मिल गए, तो आप सोच रहे कि मुझे पैसे भी भेज रहे हैं, ये बंदा हकदार भी है, लाओ मैं अपनी जेब से दे दूं जकात के लिए, घर जाके अगर कोई पैसे ले लो। अगर इस नियत से आपने दिए कि उस बंदे की जकात दे रहा हूं और डब्बे में से जाके वापस ले लूंगा, तो जाहिर है इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह जकात क्या हो जाए अदा। कोशिश करना भाई चांद देना, 29 रमजान को चांद देखना वाजी मती, चांद ढूंढना तलाश करना ये क्या वाजी मती। हमें सबको अपनी अपनी कोशिश करनी चाहिए। हमारे हजरत कारी अब्दुल बासित साहब जूता वाला रहमतुल्लाह के सवाब के लिए दुआएं माफ़िरत और चार कुल पढ़वाने की गुजारिश है, जरूर करें। आर्य अब्दुल बासित साहब से अपने जो मिसके साथ साथ जनाते थे और शानदार खुराक पढ़ते थे, हादसे में नौजवानी में उनका इंतकाल हुआ है, बहुत दुख हुआ हमें भी, तो उनके लिए सारे सवाब करना है और उसमें अपने रिश्तेदारों की भी नियत कर लूँ। और आज तक जितने इमामों ने मौजूदों ने इस मस्जिद में खिदमत दी है उन सबकी भी नियत कर लूँ। 3 बार को नमन करना।